नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका स्वयं दिव्यांगजन के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपके लिए ऐसी न्यूज़ लेकर आए हैं जिसके जरिए आप दिव्यांगजन घर बैठे ही रेलवे कंसेशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी हां दोस्तों, पहले यह ऑनलाइन प्रोसेस कुछ ही स्टेट्स में था, 3-4 स्टेट्स में था, पर अब रेलवे और गवर्नमेंट ने मिलकर नई वेबसाइट लॉन्च कर दी जिस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा था। तो इसमें कई सारे और स्टेट्स को ऐड कर दिया गया है, यानी कि अब उन स्टेट्स के दिव्यांगजन भी घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रेलवे कंसेशन कार्ड को, साथ ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट और रेलवे के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए, जिसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दिव्यांगजनों को। सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, अब आपको ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद आप ऑनलाइन ही उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसे यूज़ करना रहेगा तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और रेलवे कंसेशन कार्ड को लेके ट्रैवल करना होगा, ठीक है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें एक कैटेगरी वाइज हो गया है, अब जिसको अप्लाई करने से पहले आपको कैटेगरी जान लेनी चाहिए। जैसे विजुअली हैंडीकैप जो होते हैं, यानी विजुअली जिनको देखने में दिक्कत होती है, अगर वह 100% है डिसेबिलिटी तो ही वह इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आपका हियरिंग और स्पीच यानी बोलने और सुनने दोनों में दिक्कत है 100% तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, यानी अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% और अबव है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो लास्ट आता है मेंटली रिटार्डेड, यानी मानसिक रूप से रोगी जो होते हैं, 100% अगर मेंटली चैलेंज है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके गार्डियंस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी यह आगे कंसेशन कार्ड पास होगा। तो यह कुछ कैटेगरीज हैं, और जो अब जो चेंज हो गए रूल्स, आप इसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है, आपका कौन सी कैटेगरी में आता है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका टाइम और एप्लीकेशन दोनों वेस्ट हो जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा, जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो वैसे मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया, ठीक है, आप इसमें देख लीजिएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आप अपना स्टेट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है वो लगा सकते हैं, या फिर आप UDID कार्ड लगा सकते हैं। UDID कार्ड पे हमने एक वीडियो में चरण पे बना रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, UDID कार्ड अप्लाई भी कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो चरण के प्लेलिस्ट से भी जाके उसको देख सकते हैं और वहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये UDID कार्ड काफ़ी एक बेनिफिट होता है इस कार्ड का, ठीक है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा जो मेन इसमें है, कंसेशन सर्टिफिकेट। देखिए, कई सारे दिव्यांगजन हमारे बताते हैं कि जब वो कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ डॉक्टर उनसे वो उनकी बात नहीं मानते, कहते कि नहीं है। आपके जो कैटेगरी वाइज है ये ऑनलाइन वेबसाइट पे दे रखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा और उनको बता सकते हैं कि आपका इस कैटेगरी में आता है, आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे मेंशन है, तो वो उस पे बना देंगे। आप ये कैटेगरी इस पे देखें। कंसेशन सर्टिफिकेट पे भी हमने एक वीडियो बनाया, हमारे चैनल पे है अपलोड, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इसे बनवाया जाता है, कहाँ से डाउनलोड होगा, ठीक है। बाकी कंसेशन सर्टिफिकेट का एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे प्रिंट करके और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं बता देता हूँ आपको, जैसे पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो हो गया आपका, नॉर्मल फोटो चलेगी, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपका डिसेबिलिटी पार्ट उसमें दिखना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, एक आपका ID प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इन सभी को आपको सेल्फ अटेस्ट करके, मतलब एक कॉपी, इन सबकी कॉपी करा लीजिएगा फोटोस्टेट, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा, खुद के साइन करने हैं, साइन नहीं कर सकते तो थंब लगा सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए आपके, अगर आप सिस्टम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें होने चाहिए, अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें होना चाहिए। अदरवाइज़ देखिए, अगर आप इसमें पहले अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डाउनलोड करके फिर उसको बनाएंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। देखिए, इसमें जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है 1 महीने का है, वैसे 1 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन पे आगे प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए टोटल 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, हो सकता है इसमें आपका उससे पहले बन के आ जाए, कई लोगों का 15 दिन से 20 दिन के अंदर हो जाता है प्रोसेस, ठीक है, लेकिन कई स्टेट्स में हो सकता है कुछ समय लग जाए और समय लग जाए। बाकी आप इसमें यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा, अब ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कंसेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा आपके नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, वहाँ पे आपका बन जाएगा कंसेशन सर्टिफिकेट। आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वेबसाइट पे जब जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, जहाँ से अब ये रेलवे दिव्यांग कंसेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं, अप्लाई करना शुरू करते हैं।
अप्लाई करने से पहले दोस्तों देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों या आपकी कोई क्वेरी हो सकता है कि आपकी इस वीडियो में वह देखने से रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए, अब रेलवे कंसेशन कार्ड अप्लाई करने के लिए हमें गूगल में जाना है। गूगल के सर्च बॉक्स में हमें लिखना होगा दिव्यांग रेलवे पास। ठीक है, हम इसे यहाँ से एंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए, दिव्यांगजन कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन रेलवेज का। इनकी जो नई वेबसाइट है divyangid.indianrail.gov.in पे है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जब ये साइट ओपन हो जाएगी, देखिए एप्लीकेशन लॉगिन दिखाएगा, दिव्यांगजन कार्ड एप्लीकेशन, यहाँ से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास जैसे एप्लीकेशन आईडी नहीं है, हम यहाँ पे न्यू यूज़र है, तो हम यहाँ पे न्यू यूज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से यूज़र मैनुअल में जाके इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कंप्लीट प्रोसेस दे रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने जो जो स्टेट्स यहाँ पे ऐड करी हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, साथ ही पूरा प्रोसेस दे रखा है। आप इसमें कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट प्रोसेस दे रखा है, यहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। ये देखिए, जब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो कार्ड है वो भी कैसे दिखता है और किस तरह से हमें यहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं न्यू यूज़र में जाके। अब देखिए, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ से हमें स्टेट्स जो है अपना सिलेक्ट करना, हम कौन से स्टेट में आते हैं, हमारा कौन सा नियरबाय स्टेट है। ठीक है, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें सभी स्टेट्स के बारे में दे रखा है, देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना स्टेट और यहाँ से अप्लाई करते हैं। जैसे हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नियर बाय जो भी रेलवे स्टेशन है वो सिलेक्ट करना है पालम। अब देखिए, हम यहाँ से अपनी आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड के थ्रू करा सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कराने का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, हमें अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं देनी होगी। हमारा आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक है, अभी इस पर एक OTP आएगा और वो वेरीफाई हो जाएगा हमारी सारी डिटेल्स, एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। अगर किसी का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है अभी, या लिंक था वो नंबर उसके पास नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा वो डायरेक्ट ही यहाँ से नाम डाल के, अपना एड्रेस डाल के फिजिकली वेरीफाई करवा सकता है। ठीक है, तो जो स्टेशन नियर बाय स्टेशन होगा वहाँ से कोई कलीग आएगा उनका, तो वो आपका वेरीफाई घर पे करके चला जाएगा। ठीक है, कोई भी एक पर्सन आएगा वो वेरीफाई करके चला जाएगा। अदरवाइज़ जिनका आधार कार्ड लिंक है मोबाइल नंबर से, वो मोबाइल नंबर उसके पास है, तो वो यहाँ से डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकता है। तो अभी हमारे पास जैसे मोबाइल नंबर लिंक है डायरेक्टली, हम यहाँ से कर लेते हैं तो हमारा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। इसमें हम आइडेंटिटी वेरीफिकेशन विद आधार पे सिलेक्ट कर लेंगे, आई कन्फर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेम एज़ पर आधार लिखना है, आधार नंबर लिखना है। जैसे आधार नंबर लिख के हम एंटर करेंगे, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, हमें वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। आधार कार्ड नंबर और OTP वेरीफाई कराने के बाद, यानी अपना आधार कार्ड नंबर वेरीफाई कराने के बाद, हमें एक ईमेल आईडी देनी है जिस पे वो हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे। एक मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर डालते के साथ ही हमारे पास OTP आ जाएगा, वो एंटर करना है। अपनी डिसेबिलिटी हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है। देखिए दोस्तों, जो भी आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि वह बाद में रेक्टिफाई नहीं होगी। कोई भी एडिटिंग अवेलेबल नहीं है, इनकी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है ये चीज़। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही आप इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे, वो आप बड़े ध्यान से भरिएगा। जो भी स्पेलिंग्स वगैरह हैं सब क्रॉस चेक करके उसके बाद ही भरिएगा। अपनी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद हमारा साइनअप हो जाएगा। साइनअप अब हमें यहाँ पे होम पेज पे आना है, उसके बाद हमें यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हमें अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर हमने इस पे दिया है, अभी वेरीफाई कराया था, वो एंटर करना होगा। उसके बाद उस पे OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद कैप्चा आएगा, उसको डाल के उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम इसे आगे अप्लाई करते हैं। अब देखिए, हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए, हमारे पास यहाँ कोई डिटेल नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाला है। हम यहाँ से कंसेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, उसका पूरा फॉर्मेट दे रखा है, इसे हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रिंट लेके फिर इसे हमें नियर बाय हॉस्पिटल में जाके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके वहाँ से साइन करा के लेके आना है, फिर उसके बाद ही उसे अपलोड करना होगा। इस पर हमने एक कंप्लीट प्रोसेस बना रखा है, एक वीडियो। ठीक है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है इस बारे में तो आप इसको डाउनलोड करके, प्रिंट करके, सीधा सीधा आपको इसे सिर्फ डॉक्टर से साइन कराना है, उनके स्टैम्प चाहिए, और उसके बाद उसे यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अप्लाई फॉर कंसेशन कार्ड, यहाँ सिलेक्ट करना है। अब देखिए, हमारा नाम दे रखा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो हमने इसमें दिया है। ठीक है, हमारी डिसेबिलिटी वो सब इसमें मेंशन है।
उसके बाद कार्ड एप्लीकेशन डिटेल्स मांग रहा है ये, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, डिसेबिलिटी टाइप, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी बेसिक डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, डिसेबिलिटी में परमानेंट सिलेक्ट करना है, टेम्प्रेरी नहीं सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उन सब के बारे में यहाँ लिखा गया है। मेन जो इसमें होता है कंसेशन सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ही आपका आगे प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, ये सारे जब हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे उसके बाद ये हमारा वेरीफाई होगा। हमने आधार से वेरीफिकेशन किया तो कोई भी पर्सन हमें वेरीफाई करने नहीं आएगा, वो ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आधार से वेरीफिकेशन कराया है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो हमारा वेरीफिकेशन वगैरह जो प्रोसेस होगा, टोटल इसमें 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। लेकिन देखिए, अब जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो आप यह मत सोचिएगा कि आपका आपने आज ही अपलोड कर दिया तो आपका कुछ दिन में हो जाएगा, हो सकता है आपका 15-20 दिन में हो जाए। जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है 10 दिन में हो जाता है, लेकिन इन केस कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इसमें 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, तो आपको इसमें 3 मंथ्स का वेट करना होगा, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है अभी नई प्रोसेस का, इसमें आपका जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगा। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करके उसके बाद अप्लाई कर देना है। यहाँ से नीचे जो बटन दे रखा है सेव ड्राफ्ट के पास में, सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारी एप्लीकेशन है जो आगे प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। दिव्यांगजनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, अब जब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा, जब हमारे पास अगर कोई मैसेज आएगा या ईमेल आता है या फ़ोन कॉल आता है, या हम चाहें तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इसको लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से, जो हमने इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है। ठीक है, इससे हम जब लॉगिन करेंगे यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं वहाँ से, कि अगर ये प्रोसेस हो गया होगा या अंडर प्रोसेस है या डिक्लाइन हो गया है, जो भी रीज़न है वो वहाँ पे दिखाई देगा उसका, जो भी अभी स्टेटस चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात इसमें ये बताता हूँ, भरते समय बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी इसमें जो शब्द है वो गलत ना हो, यानी स्पेलिंग हो गया या एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, क्योंकि बाद में इस पे कम्प्लीटली दिया हुआ है कि कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो आप जब फॉर्म भरें तो आप ध्यान रखिए कि आपने सारे डिटेल्स करेक्टली मेंशन किए हैं इसमें, क्रॉस चेक करते रहिएगा, उसके बाद ही इसे अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो, ठीक है, या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, हम ट्राई करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी दिव्यांगजन है हमारे वो इस कार्ड का बेनिफिट ले पाएँ, उस कार्ड को अप्लाई कर सकें, गवर्नमेंट जो हमें स्कीम प्रोवाइड करती है हम उसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।